स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो आज मैंने ये बेबी गर्ल की कुर्ती बनाई है, ठीक है। तो ये बच्चे की कुर्ती है, इसमें मैंने स्टार्टिंग में कुंडे यानी कि बॉर्डर में यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 46 से 46 तक के कुंडे लगाए, यानी कि 46 से 46 तक, ठीक, 46 से 46 तक के कुंडे लगाए हैं। और 14 सिलाई का मैंने पहले प्लेन सिलाई लगाई है 8 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद मैंने ये डिजाइन डाला है। तो यहाँ पर मेरी प्लस एक यानी कि 14 और ये प्लस एक 15 सिलाई है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक 140 सिलाई लगाई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 140 सिलाई लगाई है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुंडे बढ़ाए हैं और उसको मैंने 55 से 55 तक कुंडे बढ़ाकर किया है, ठीक है। यानी कि इसमें देखो 46 से 46 हमारे स्टार्ट थे, प्लस इसमें 9 कुंडे मैंने यहाँ पर बढ़ाए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक आर्म होल की काट तक मैंने 220 सिलाई लगाई है, ठीक है। 220 सिलाई के बाद मैंने यहाँ पर आर्म होल की काट के लिए 5 4 3 2 1 की काट कटिंग दी है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर पट्टी काट के लिए, देखो गले की पट्टी काट के लिए भी 7 कुंडे यहाँ पर घटाए हैं, ठीक है। 7 कुंडे मेरी काट दी है और यहाँ पर 5 4 3 2 1 की काट दी है, ठीक है। काट कम्प्लीट कर यहाँ पर मैंने फर्स्ट में एक पल्ला बुनाई किया है और बाद में इस साइड का पल्ला बुनाई किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखो मेरी लास्ट सिलाई यहाँ पर है, इसमें है 287, ठीक है, 200 यहाँ से और यहाँ तक 287 सिलाई है, ठीक है। यानी कि मैंने देखो गले काट के लिए मैंने यहाँ पर डाउन में यहाँ पर गले की 261 पर, ठीक है, 261 पर मैंने गले की काट दी है, ठीक है। 5 3 2 1, ठीक है, एक एक कुंडा तब तक जब तक हमारे मोटे कुंडे बच जाते, ठीक है। इस हिसाब से मैंने ये कुर्ती यहाँ पर फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला बनाया है, ठीक है। और बाजू मैंने, बाजू के लिए मैंने यहाँ पर ये देखो 27 से 27 तक के कुंडे लगाए हैं और यही 14 प्लस 15, ठीक है। तो इसमें मैंने बॉर्डर बनाया है और यहाँ से और यहाँ तक 126 सिलाई है मेरी, ठीक है, बाजू के लिए 126 सिलाई लगाई है। और लास्ट मेरी यहाँ पर टोटल सिलाई कुंडे मैंने कितने रखे हैं, 48 से 48 तक, ठीक, 48 से 48 तक के कुंडे रखे हैं। और यहाँ पर भी मैंने 5 4 3 2 1 की काट दे के बाजू को कंप्लीट किया है, इनके बंद करके कंप्लीट किया है, ठीक है। इस तरह से मेरी ये 34 इंच की कुर्ती तैयार हुई है, ठीक है। इसकी लेंथ मैंने आपको बता देती हूँ, तो 34 इंच मैंने ये कुर्ती तैयार की है, ठीक है। और ये चार्ली ऊन में बनी है, तो आप चाहो इसको बेबी ऊन में भी बना सकते हो, लेकिन मेरे पास ये ऑन डिमांड थी तो इसको मैंने आज कंप्लीट किया है, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने एक बेबी कुर्ती बनाई है, ये देखो बेबी कुर्ती सिंपल विदाउट पॉकेट और इस डिजाइन में, ठीक है। तो इस ये भी मेरे पास कुर्ती ऑन डिमांड है, तो ये मैंने कंप्लीट कर दी है, ठीक है, बना के रेडी कर दी है, ठीक है। तो इसको सिंपली बनाया है, ये देखो बिल्कुल सिंपल, इसमें मैंने पॉकेट भी नहीं लगाया ना ही इसमें बॉर्डर में डिजाइन डाला है, ठीक है। इस तरह की स्वेटर ऑर्डर पर मैं बनाती हूँ, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पैटर्न नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।